like, subscribe. Hi everyone, welcome to Achievement Mind Power for all competitive exams. Today in our session we discussing about Telangana State Public Service Commission द्वारा जो TRT conduct किया जाता है उसके अंदर आज हम post जानने वाले हैं, कौन से post का syllabus जानने वाले हैं, तो वो जानने वाले हैं हम physical education का PET का, यानी कि physical education teacher जो है यहाँ पर, इसके अंदर TRT DSC कहा जाता है लेकिन अभी से TRT कहा जा रहा है, तो इसके सिलेबस हम जाने वाले हैं। तो आज हम जाने वाले हैं ड्यूरेशन कितना होगा, टोटल ओवरऑल कितना ड्यूरेशन होता है, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सिलेबस लेवल क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, नंबर ऑफ मार्क्स कितने अपटेंड होंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन आज के सेशन में जाने वाले हैं। तो जो भी हमारे सेशन में न्यू है, डू लाइक सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, इंस्टाग्राम, दोनों के लिंक्स प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जिस प्रकार हमने टेट में आपके साथ सारी सिलेबस को कवर किया, प्रिपरेशन ओवरऑल हमने कंप्लीट किया, उसी प्रकार हम TRT में भी आपके साथ देने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़िएगा प्रिपरेशन में एंड लाइक शेयर ज़रूर करते चलिएगा। तो चलिए फिर सेशन को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो पोस्ट है फिजिकल एजुकेशन टीचर अंडर TRT के अंदर जो सिलेबस दिया गया है, देखिए वो देखते हैं। टोटल ड्यूरेशन होने वाला है यहाँ पर 3 hours का होने वाला है एंड सब्जेक्ट्स जो है टोटल 8 subjects टॉपिक्स कवर करनी होगी यहाँ पर, एंड सिलेबस यहाँ पर जो है वो भी जानने वाले हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने हैं वो भी जानने वाले हैं, नंबर ऑफ मार्क्स कितने मिलने वाले हैं वो भी हम जानने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, इसी बात पर लाइक शेयर एंड ज़रूर करते चलिएगा। तो फर्स्ट जो है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर जो हम फर्स्ट जानने वाले हैं सीरियल वाइज हम सभी इंफॉर्मेशन को जानेंगे। फर्स्ट जो है जनरल नॉलेज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अंदर जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स होगा, जो कि आपको ये दोनों कवर करनी होगी ओवरऑल जो 6 months के बिफोर होता है, यानी कि 6 months से आपको यहाँ पर ओवरऑल जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर आपको पूरा कवर करना होता है। यहाँ पर से जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो है 20 questions पूछे जाएंगे, जिसके 10 marks मिलने वाले हैं, यानी कि हर क्वेश्चन को आप ईच क्वेश्चन हाफ मार्क्स की होगी, ईच क्वेश्चन हाफ मार्क्स होगा। इस प्रकार देखा जाए तो टोटल 10 marks यहाँ पर अपटेन होंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है इंग्लिश है, यहाँ पर सिलेबस जो है इंग्लिश बेस्ड ऑन प्रोफिशियंसी इन लैंग्वेज एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज कम्युनिकेशन कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी। आपको यहाँ पर जो लैंग्वेजेस हैं उस इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 10th तक यहाँ पर पूछा जाएगा, 10th तक सारा इंग्लिश का ग्रामर जो है कवर किया जाएगा। तो टोटल 20 questions होते हैं एंड ईच क्वेश्चन हाफ मार्क्स देखा जाए तो 10 marks यहाँ पर अपटेन हो गए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कंटेंट जो है यहाँ पर 3 to 8 का होता है, तो थर्ड जो है प्रिंसिपल साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो है 30 marks, यानी कि UGDPED सिलेबस ऑफ तेलंगाना स्टेट का जो है आपको यहाँ पर ओवरऑल कवर करनी होती है इन सभी के लिए। 5 to 8 से आपको ओवरऑल UG का एंड DPED सिलेबस आपको कवर करनी होती है। तो देखिए साइकोलॉजी प्रिंसिपल साइकोलॉजी हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन के लिए टोटल 30 questions पूछे जाते हैं, जिसका मार्क्स अपटेंड होगा 15। नेक्स्ट देखिए फोर्थ है जो है ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसके 24 questions होते हैं एंड 12 marks अपटेंड होंगे। नेक्स्ट जो है साइकोलॉजी मटीरियल ऑफ मेथड्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन के अंडर सिलेबस वही होगा आपका, एंड जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर 24 questions होंगे जिसके मार्क्स 12 होंगे। नेक्स्ट देखिए एनाटॉमी एंड साइकोलॉजी किनेसियोलॉजी, ये सारे जो हैं 24 marks क्वेश्चंस होंगे, 24 questions होंगे 12 marks के होंगे। नेक्स्ट 7th जो है हेल्थ एजुकेशन सेफ्टी एजुकेशन एंड साइकोलॉजी ऑफ एक्सरसाइज के रिलेटेड 30 questions यहाँ पर पूछे जाएंगे एंड 50 marks का होगा। तो यहाँ पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेफ्टी एजुकेशन ये जो है जनरल टॉपिक्स होते हैं, आपको यहाँ से अच्छे से स्कोरिंग मिल सकती है, तो इसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिएगा। नेक्स्ट जो है अफिशिएटिंग एंड कोचिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन के अंडर 28 questions पूछे जाते हैं, टोटल 14 marks को होता है। तो टोटल
PET का यानी कि पेट वालों के लिए 200 का नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं एंड 100 जो है मार्क्स होते हैं। 200 जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ओवरऑल एंड मार्क्स जो है 100 पेपर का होता है। टोटल हाउस देखा जाए तो 3 हाउस का टोटल पेपर होता है। तो इस प्रकार SGT का जो है TRT में सिलेबस दिया गया है एंड नेक्स्ट नोटिफिकेशन में आपको जो भी यहाँ पर सिलेबस प्रोवाइड कर दिया गया है उसको और डीपली जाना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका और डीपली एक्सप्लेन किया गया है सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज, तो ज़रूर देख लीजिएगा। एंड नोटिफिकेशन आने के बाद हम इसे लिंक जो है प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डायरेक्ट सारी अपडेट देख सकते हो। तो जुड़े रहेगा हमारे नेक्स्ट सेशन में भी, डू लाइक सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकॉन करते चलिएगा। एंड अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा एंड नेक्स्ट सेशन में हम न्यू अपडेट के साथ फिर मिलते हैं। अंटिल देन कीप स्माइल, बाय बाय।